नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको मैं बीएसएनएल की तरफ से गुड न्यूज देने वाला हूँ। गुड न्यूज ये है कि बीएसएनएल आपके अकाउंट में 6 पैसे पर मिनट डालने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरे अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक समझ आएगा एग्जैक्टली किस तरीके से बीएसएनएल आपको 6 पैसे पर मिनट देने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अभी रिलायंस जियो ने अपना आयुषी चार्ज के नाम पे 6 पैसे पर मिनट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से जो उनके रेगुलर प्लान थे, जैसे कि एक प्लान उनका 149 का था, एक था 399 का, तो ये जो उनके रेगुलर प्लान थे वो तो आपको कराना ही पड़ रहा है। उसके अलावा अगर आपको 124 मिनट बात करना है तो आपको 10 रुपीज का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अगर आपको 249 मिनट बात करना है या 249 आप मिनट रखना चाहते हो अपने मोबाइल में बैलेंस एक महीने के लिए, तो आपको 20 रुपीज का करवाना पड़ता है। अगर आप 50 रुपए का रिचार्ज कराते हैं या 50 रुपीज का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको मिलता है 556 मिनट। दोस्तों अगर आप 100 रुपीज का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको मिलता है 1362 मिनट, मीन 1362 मिनट्स। तो दोस्तों कुल मिला के आपको कम से कम 1362 वाला तो रिचार्ज, मीन 100 रुपए का तो आपको महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज आपको करवाना ही पड़ेगा अगर आप जियो यूज कर रहे हैं तो। दोस्तों जैसे ही जियो ने इस प्लान को लाया तो इनके दूसरे कंपटीटर जैसे कि वोडाफोन और एयरटेल, उन्होंने बोला हम आयुषी चार्ज नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से उनके थोड़े से जो बिजनेस वो सस्टेन हुए हैं और ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन अभी जियो का अगर देखा जाए तो मौजूदा हालत खराब है, क्योंकि अब जियो में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लोगों को उस चीज की हैबिट नहीं थी। अगर किसी चीज की हैबिट नहीं होती और जब उसको प्रेशराइज किया जाता है तो थोड़ा सा उनके लिए अजीब होता है और शायद इसी की वजह से उनका बिजनेस लो हो सकता है। दोस्तों एयरटेल और वोडाफोन तो अपनी जगह पे अच्छा काम किया, उन्होंने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आयुषी चार्ज को नहीं लगाया। उसकी वजह से काफी कस्टमर एयरटेल वोडाफोन आइडिया सबके बहुत हैप्पी हुए कि चलो इसमें आयुषी चार्ज नहीं है। लेकिन उन सबका बाप बीएसएनएल, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, बीएसएनएल एक कदम और आगे निकला, या आप कह सकते हैं 10 कदम और आगे निकला। बीएसएनएल ने कहा अगर आप हमारे सिम को यूज करेंगे, यानी आप अगर हमारे कस्टमर रहेंगे, तो हम आपको 6 पैसे पर मिनट वापस देंगे, मींस आपको ही हम पैसा देंगे। लेकिन कब? जब आप उनके वॉइस कॉल को 5 मिनट या उससे ज्यादा देर तक यूज करोगे। तो बुरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिम तो हमको यूज करना ही है, कॉल तो हमको करना ही है। अगर हमारी कॉल जाती है 5 मिनट के ऊपर तो हमें क्या समस्या हो सकती है। दूसरी चीज दोस्तों, उन्होंने एक कंडीशन भी लगाई। कंडीशन ये लगाया कि अगर आप FTTH प्लान यूज करेंगे, यानी फाइबर टू द होम प्लान को यूज करेंगे, या फिर लैंडलाइन यूज करेंगे, या फिर ब्रॉडबैंड यूज करेंगे, तो इसी में ही स्कीम आपको मिलेगी। तो इससे दोस्तों होगा क्या कि अब जो भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं जो ब्रॉडबैंड या वायरलाइन यूज कर रहे हैं या FTTH यानी फाइबर टू द होम यूज कर रहे हैं, अब उनके रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे क्योंकि उनको फ्री में वापस पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन कार्य है बीएसएनएल की तरफ से किया हुआ। और अगर बीएसएनएल इसी तरीके से ऑफर देता गया, क्योंकि लास्ट दिनों से देखा जा रहा है बीएसएनएल को जो ऑफर है एक पर बढ़ के एक है। और बीएसएनएल को जो डायरेक्टर है विवेक बंजल जी, उन्होंने बोला कि ये प्लान हम इसलिए कर रहे हैं, यानी 6 पैसे हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं जिससे कस्टमर हमसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ा रहे, और साथ ही साथ जब कस्टमर को हम 4G सर्विस प्रोवाइड करें तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर ले, यानी डायरेक्ट कस्टमर 4th जनरेशन पे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि बीएसएनएल एक तरीके से अच्छी सर्विस कम पैसे में सारे कस्टमर को, यानी सारी भारतवासियों को प्रोवाइड करेगा। दोस्तों हमने अपनी पहली वीडियो में ही बोला था कि बीएसएनएल पब्लिक के लिए काम करती है, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं। बीएसएनएल को लॉस हो रहा है, फिर भी बीएसएनएल इस तरीके का ऑफर दे रहा है जिसे वो कस्टमर भी बना सके, सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर सके। दूसरी चीज दोस्तों, ये किसी एक दो सर्किल में नहीं किया गया, ये ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी रहेंगे वहां पर ये बीएसएनएल का प्लान है कि आपको 6 पैसे पर मिनट मिलेगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। दोस्तों इसी तरीके के जो भी अच्छे इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हम आप तक लेके आने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।